बात करते हैं शिवपुरी के, जहां जिले के भौती थाना अंतर्गत खोड़ चौकी क्षेत्र के ग्राम देवरी में आकाशीय बिजली गिरने से मां की मौत हो गई तो वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बेटे को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार खोड़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत देवरी गांव में मां बेटा अपनी झोपड़ी में सोए हुए थे। रात्रि के समय लगभग 4 बजे मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश होने लगी। इसी दौरान आकाशीय बिजली झोपड़ी में गिरी, जिसमें सोई हुई 60 वर्षीय शांति देवी की मौत हो गई। घायल पुत्र पर्वत सिंह जाटव को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खोड़ चौकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बारिश के इस सीजन में अब तक आकाशीय बिजली गिरने से कई मौत हो चुकी है, जबकि अभी वर्षा ने अपनी सही रफ्तार भी नहीं पकड़ी है। इससे पहले पिछोर ब्लॉक में कथा पढ़ रहे पंडित सहित खेत में काम कर रही महिला की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। करेरा ब्लॉक में भी आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर बकरी चराने गई बालिका सहित एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 20 के लगभग भेड़ बकरियों की मौत भी आकाशीय बिजली गिरने से हो चुकी है। बादल तड़का है, मेरा बड़ा भाई पर्वत सिंह जाटव घायल हो चुका है, उसे मैंने अस्पताल भेज दिया। मेरी माँ शांति भाई वो उस पे पर आ गया, अभी खत्म हो चुकी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।